तो फाइनली मार्केट में आ गया है एसयूवी ऑफ द इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिवर कंपनी के इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को एसयूवी ऑफ द इलेक्ट्रिक स्कूटर बोल रहे हैं सब लोग। भाई सब लोग क्या बोल रहे हैं, कंपनी ने इसका नाम भी फेमस कर दिया है एसयूवी ऑफ द इलेक्ट्रिक स्कूटर। एक जगह हम रख दे इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर को और एक जगह हम रख दे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को, देखने में बहुत ही अमेजिंग लगेगा। मतलब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर इसके सामने तो भाई दूध पीता बच्चा है। तो अब हम बात करते हैं इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। अगर बात करें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिजाइन के बारे में, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो डिजाइन है बहुत ही क्लासिक, बहुत ही प्रीमियम है। अभी तक पूरी ईवी मार्केट में ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसका जो डिजाइन है बहुत ही बल्कि सा डिजाइन है, बहुत ही बिघाती है बोल सकते हैं आप। अगर बात करें यहाँ पे स्टोरेज के बारे में, सबसे मेन चीज है यहाँ पे स्टोरेज। यहाँ पे यार आपको स्टोरेज की कमी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। बहुत ही बड़ा स्टोरेज है और बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात करें अगर अंडर द सीट की, तो यहाँ पे आपको 43 लीटर का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको दो स्टोरेज बॉक्स देखने को मिल जाएंगे, एक अंडर द सीट है 43 लीटर का और यहाँ पे आपको एक और स्टोरेज देखने को मिलता है जो हैंडल के पास है, जैसा कि आप बजाज चेतक में देखते हैं वो 12 लीटर का स्टोरेज है। अगर बात करें और स्टोरेज की, तो यहाँ पे आप साइड बॉक्स भी लगा सकते हैं। अगर आप डिलीवरी बॉय है तो आपको स्टोरेज की कभी नहीं मिलेगी देखने को, क्योंकि यहाँ पे भरपूर स्टोरेज दे रखा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेंज के बारे में, रेंज क्या निकल के आती है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में। अगर रेंज की बात करें तो यहाँ पे आपको 120 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाती है, 120 की ट्रू रेंज 120 की देखने को मिलती है। टॉप स्पीड की बात करें तो 90 kmph की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है, बहुत ही अच्छी खासी टॉप स्पीड है सिटी के हिसाब से। रेंज भी यहाँ पे ट्रू रेंज जो निकल के आ रही है 120 की है। कंपनी बोलती है अगर आप इको मोड में चलाते हैं तो लगभग आपको 150 की रेंज भी देखने को मिल सकती है, बट यहाँ पे 120 की जो ट्रू रेंज है वो बहुत ही अच्छी खासी है। तो अब हम बात करते हैं मोटर के बारे में। अगर मोटर की बात करें तो यहाँ पे आपको PMSM मोटर देखने को मिल जाएगा, मिड ड्राइव मोटर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें मोटर के बारे में तो यहाँ पे आपको 6.7 किलोवाट का मोटर देखने को मिल जाएगा। मोटर आपको बता चुका हूँ, PSM मोटर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें बैटरी के बारे में, यहाँ पे आपको 4 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कंपनी ने अभी बैटरी टाइप नहीं बताया, NMC है कि LFP है, अभी कंपनी ने ये नहीं बताया कौन सी बैटरी वो यूज कर रहे हैं। जैसे पता चलता है मैं आपको बता दूंगा। अगर चार्जिंग की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 5 घंटे में चार्ज हो जाएगी, 5 घंटे में ये 80% चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर का ऑप्शन देखने को मिलेगा और 80% ये 5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन पावर की, 0 to 40 जाने में ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है 3.9 सेकंड का वक्त लेती है। अगर हम बात करें वारंटी के बारे में तो यहाँ पे बैटरी वारंटी 5 साल की है, बहुत ही गजब और बहुत ही बिंदास बैटरी वारंटी देखने को मिल रही है। 5 साल की बैटरी की वारंटी है। अगर गाड़ी की वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी भी 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी, बहुत ही गजब वारंटी देखने को मिल रही है। तो अब हम बात करते हैं इसके और फीचर्स के बारे में और क्या क्या देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी IP रेटिंग के बारे में। अगर हम बात करें मोटर की IP रेटिंग, तो मोटर की IP रेटिंग 67 है। IP रेटिंग क्या होता है, इंग्रीस प्रोटेक्शन, मतलब धूल मिट्टी पानी से आपको कोई भी असर नहीं होगा। अगर बैटरी IP रेटिंग की बात करें तो 67 है। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पहला है ब्लू, दूसरा है रेड एंड तीसरा है येलो। यहाँ पे 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, USB चार्जिंग देखने को मिलेगी, रिवर्स मोड देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको 14 इंच के अलॉयिंग व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, ट्यूबलेस टायर, 14 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे वुड स्पेस की, तो वुड स्पेस आपको बता चुका हूँ अंडर द सीट 43 लीटर का है और हैंडल के पास भी एक छोटा सा वुड स्पेस देखने को मिल जाता है जिसमें आपको USB चार्जिंग देखने को मिल जाएगी और वुड जो छोटा सा वुड स्पेस है वो आपका 12 लीटर का है। यहाँ पे आपको स्टोरेज की कमी नहीं देखने को मिलती है, स्टोरेज भरपूर स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो प्राइस है बेंगलुरु के अंदर 1,25,000 है, मतलब इतने अच्छे प्राइस में 1,25,000 में 120 किलोमीटर की रेंज आई थिंक बहुत ही सही है। इस प्राइस के हिसाब से जो रेंज मिल रही है बहुत ही बढ़िया है।
तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।